dear students, welcome back to the next session of your favorite subject that is general knowledge. Students, आपको क्या करना है? अभी तक हमने क्या complete किया? Chapter number 12 तक हमने कर लिया है. आज हम करेंगे chapter number 13. Chapter number 13 में आपको एक figure दिया हुआ है और उस figure में आपको हर एक word से पांच या तीन चीजें ढूंढनी है और उसको उन चीजों को लिखना है. एग्जाम्पल जैसे कि उन पिक्चर्स में बहुत सारी चीजें बनी है, बॉय गर्ल, है ना. आपको उन पिक्चर्स में से फाइंड करना है लाइक बी से कितनी सारी चीजें हैं और उनको लिखना है. फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम करेंगे. तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13. This is your chapter number 13, Search Sharp. You have to look this picture given below and answer the following questions. ये आपको सारी pictures को देखना है और जो questions किए गए हैं उनको answer करना है. Your first question is, name five things in the picture that start with B. ऐसी कौन सी पांच चीज़ें हैं पिक्चर में जो किस वर्ड से स्टार्ट होती हैं? बी से. आंसर इज फर्स्ट बर्ड, सेकंड बोट, थर्ड बलून, फोर्थ बटरफ्लाई, फिफ्थ पर्ल. बी इज नेम फोर थिंग्स इन द पिक्चर दैट स्टार्ट विद जी. पिक्चर में ऐसी चार चीज़ों को बताना है जो किस वर्ड से स्टार्ट होती हैं? जी से. फर्स्ट इज गिफ्ट, सेकेंड इज ग्रास, थर्ड इज गॉगल्स, फोर्थ इज गर्ल. सी इज नेम थ्री थिंग्स इन द पिक्चर दैट स्टार्ट विद आर. पिक्चर में ऐसी तीन चीज़ों के नाम बताने हैं जो किस वर्ड से स्टार्ट होते हैं? आर से. Answer is first rabbit, second river, third rose. Okay students, तो हमने find कर लिया ना words से चीजें. अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 14 पे जो कि है डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स, यानी अनजान लोगों के साथ हमें कैसे डील करना, हमें कैसे पेश आना है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Okay students, तो पहली चीज, आपको कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर को कुछ भी आंसर या कुछ भी चीजें आपसे अगर वो पूछता है, अनजान लोग आपसे कुछ भी पूछे या आपको कुछ भी दे, तो कभी भी उनको कुछ भी बताना नहीं चाहिए, ना ही उनसे कुछ लेना चाहिए. ये अपनी सेफ्टी होती है. तो ऐसी ही चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से. इसमें दिया हुआ है हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें जो चीजें करनी चाहिए स्ट्रेंजर्स के साथ उसके लिए राइट लगाना है, जो चीजें नहीं करनी चाहिए उसके लिए रॉन्ग लगाना है. तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं. इफ अ स्ट्रेंजर कम्स टू पिक यू अप फ्रॉम द स्कूल, अगर कोई स्ट्रेंजर आपको स्कूल से लेने आता है, यानी कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको स्कूल से लेने आता है. अनजान का मतलब होता है बच्चों जिसको आप नहीं जानते हो. अगर कोई ऐसा आता है आपको स्कूल से लेने जिसको आप नहीं जानते हो, saying he has been sent by your parents, you should. आप देखो, अगर कोई जिसको आप नहीं जानते हो आपको स्कूल से लेने आता है और आपसे बोलता है कि उसको आपके पेरेंट्स ने भेजा है, तो आपको क्या करना चाहिए? यानी कि अगर आप स्कूल गए हो, आपकी छुट्टी होगी, या फिर बीच में भी कोई आता है बोलता है कि आपके पेरेंट्स ने भेजा है आपको लेने के लिए, तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए? ए, गो विद द स्ट्रेंजर, उस अनजान व्यक्ति के साथ जिसको आप नहीं जानते हो, क्या आपको उसके साथ जाना चाहिए? वेरी गुड, हमें उसके साथ जाना नहीं चाहिए. तो हम लगाते हैं रॉन्ग. यानी कोई भी अनजान व्यक्ति अगर हमें स्कूल में लेने आता है और बोलता है कि उसको किसने भेजा है, आपके मम्मी या पापा ने, तो हमें उसके साथ नहीं जाना है. सेकंड देखते हैं, लिखा हुआ है रिफ्यूज टू गो विद स्ट्रेंजर, वही दिखा है. इसमें लिखा है हमें उसके साथ जाना चाहिए, तो हमने क्रॉस लगाया. इसमें लिखा है हमें उसके साथ जाना नहीं चाहिए, हमें उसको मना कर देना चाहिए उसके साथ जाने से, तो ये राइट है ना?
यही करना चाहिए हमको, है ना? हमें उसके साथ जाना चाहिए। क्या स्ट्रेंजर्स के साथ जाना चाहिए हमें? नहीं। तो हमने रॉन्ग लगाया, रिफ्यूज, यानी उसको मना कर देना चाहिए। रिफ्यूज का मतलब होना होता है मना कर देना, तो हमें राइट लगा दिया। अब मूव करते हैं सेकेंड पे। सेकेंड देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा है। इफ अ स्ट्रेंजर गिव्स यू एन आइसक्रीम यू शुड, यानी कि अगर कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो वो आपको आइसक्रीम देता है तो आपको क्या करना चाहिए? रिफ्यूज टू टेक द आइसक्रीम, आपको वो आइसक्रीम लेने से मना कर देना चाहिए, या फिर टेक द आइसक्रीम, या ये आइसक्रीम ले लेनी चाहिए। आप क्या करोगे? रिफ्यूज टू टेक द आइसक्रीम, आप आइसक्रीम नहीं लोगे, तो टिक लगाएंगे और क्या आइसक्रीम ले लोगे? नहीं ना, तो इस पे रॉन्ग लगाएंगे। यानी कि कोई भी अनजान व्यक्ति हो या कोई भी पर्सन ऐसा जिसको आप नहीं जानते हो, हमें उससे कभी भी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं थर्ड पे। क्या लिखा हुआ है? इफ अ स्ट्रेंजर नॉक्स एट द डोर एंड यू आर अलोन इन द हाउस यू शुड, यानी कि अगर कोई भी, जब आप घर पे अकेले हो और वो दरवाजे पे खटखटाता है तब आपको क्या करना चाहिए? यानी कि अगर आप कभी घर पे अकेले हो और कोई बाहर आ जाता है और डोर को नॉक करता है तो आपको क्या करना चाहिए? ओपन द डोर, डोर खोल देना चाहिए, या फिर नॉट ओपन द डोर, आपको डोर नहीं खोलना चाहिए? आपको डोर खोल देना चाहिए, नहीं ना, तो रॉन्ग लगाएंगे। आपको डोर नहीं खोलना चाहिए, तो ट्रिक लगाएंगे। यानी कि कोई भी अनजान व्यक्ति जब आप घर पे अकेले हो, वो बाहर खड़ा होके खटखटाए या फिर अंदर आने को बोले बाहर से ही, तो आपको दरवाजा ओपन नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन चीजें हमने जानी कि हमें स्ट्रेंजर्स के साथ, कोई भी आपको स्कूल में लेने आता है बोल के कि आपके मम्मा पापा ने भेजा है, तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा हमने क्या सीखा कि कोई भी स्ट्रेंजर है, कोई भी अनजान व्यक्ति है, वो आपको कोई भी चीज खाने को देता है तो आपको उसको मना कर देना चाहिए, वो खाने की चीज उससे नहीं लेनी चाहिए। थर्ड हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी घर पे आप अकेले हो उस टाइम पे आता है बाहर दरवाजे पे, तो आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 14 डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आपको होमवर्क पूरा कंप्लीट करके सेंड करना है मुझे। ओके स्टूडेंट, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।